कितनी देर से आपको फोन मिला रही, कहां बिजी थे आप? और आपको क्या जरूरत थी कि रोशनी और हसाम को डिनर पर भेजें? आप हरकतें क्या कर रहे हैं? तो इसमें क्या बुराई है? क्या मतलब है? मैं उनको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? उन्हें मजीद करीब कर रहे हैं? एक मिनट खामोशी से मेरी बात सुन। देखो वो दोनों डिनर पर तैयार होकर जाएंगे तो जरूर, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? आप क्यों बच्चों वाली फर्ज करो कि वो दोनों डिनर के लिए जा रहे हों और रास्ते में उनका खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या मतलब? रोने धोने और लुटपट जाने की एक्टिंग की तैयारी कर लो मुमताज बेगम। आज शाम तक तुम्हें खबर मिल जाएगी कि तुम्हारी बहू और बेटा ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए हैं। अरे रोशनी, इतनी तेज रफ्तारी ना खतरनाक हो सकती है। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली हसाम बाबा कॉल कर रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी आ जाओ, वो वेट करें। हाँ हाँ, तुम्हें अपने शौहर का इंतजार नहीं कराना चाहिए। वैसे भी कब से हमें इस दिन का इंतजार था? मैं कुछ समझी नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, हर माँ के लिए दिन बहुत अहम होता है। एक वो वक्त था जब मेरा बेटा मेरे बगैर कहीं नहीं जाता था, जाता भी तो मेरी उंगली नहीं छोड़ता था, और आज अपनी बीवी के साथ जाने तो कितनी तेजी से गुजर रहा है। ऐसा लगता है जैसे खत्म ही होने वाला है। अभी है, अभी नहीं। खैर तुम जाओ, उसे इंतजार ना करवाओ। आज तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो, शाबाश, जाओ। जी बस आज तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा, जाओ चंद मिनट की जिंदगी और जी लो। आज समझ आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा हसाम की जिंदगी में आना भी किसी मकसद से खाली नहीं था। थैंक गॉड तुम आ गए। गाड़ी की चाबी दो मुझे, मुझे गाड़ी पे जाना। अमान, मैं भी जा रहा हूँ। यार क्या यार, तुम्हें हर चीज़ पर मुझसे मुकाबला करना अच्छा लगता है। पुरानी गाड़ी खड़ी है, मुझे उसमें नहीं जाना, और मेरी मर्क आ रही है उस पर चले जाना, लेकिन अभी मुझे गाड़ी चाहिए। अमान, पुरानी गाड़ियों से कुछ नहीं होता। वैसे तुम भी ये दोनों काम कर सकते हो, वेट भी और दूसरी गाड़ी। मैंने आज तक उस गाड़ी में सफ़र नहीं किया, मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और वैसे भी बकौल तुम्हारे, तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हसाम, रहने देना। अगर अमान ये गाड़ी लेके जाना चाहता है तो ले जाने दे, हम दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोशनी, बात नई पुरानी या छोटी बड़ी गाड़ी की नहीं, बात उस माइंड सेट की है जिसकी वजह से ये कर। मैं बड़ा भाई होने की हैसियत से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों, मुझे तुम्हारी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी गाड़ी में जाना। और ये जो तुम्हारे लेक्चर्स हैं ना, ये तुम किसी और के लिए संभाल के रखो। और वैसे भी तुमने कौन सा गाड़ी चलानी होती, पीछे बैठ कर ही तो जाना होता। अगर तुम गाड़ी चला सकते होते तो तुम्हें एहसास होता कि एक गाड़ी चलाने की आदत हो जाती है। रफीक, गाड़ी की चाबी दो।
रहने देना, हम दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रफीक दूसरी गाड़ी निकलवा। मेरी बच्ची का आज का दिन कॉलेज में? अम्मी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन लेकिन क्यों? वो अमान ने आज मुझसे फिर बदतमीजी की। क्या कहा उसने तुमसे? उसने कहा कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। क्यों? पता नहीं, मुझे बहुत बदला हुआ सा लग रहा था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है वो कभी सुधर ही नहीं सकता। क्या उसने तुमसे कोई और बात की? और कोई बात तो मैंने उसको करनी ही नहीं थी, इनफैक्ट मैंने उसकी ये बात भी इग्नोर कर दी। देखो बेटा, हो सकता है वो वाकई नादिम हो। वो भी मुझसे यही कह रहा था, लेकिन अम्मी अगर वो सुधर भी जाए तो मुझे इससे क्या, मुझे उससे कौन सी दोस्ती रखनी है, मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। ठीक, तुम उससे बात मत करो, लेकिन देखो अगर अब तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो बेटा रोशनी को प्रॉब्लम हो सकती है। पहले की बात और थी बेटा, अब रिश्तेदारी का मामला है, तुम समझ रही हो ना? सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी, तो उससे बिला वजह बात भी नहीं करती थी, अब बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या मैं रोशनी से बात करूं? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मैं खुद इससे बात कर लूंगी। वैसे भी जितना कुछ उसके साथ हुआ है ना, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे तंग करे। अम्मी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती, तुम पढ़ो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शुरू ही से अमान की आदत है इस तरह करने की, इसीलिए मैं इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। हालांकि हसाम, आपको लेना चाहिए इस बात को सीरियस। अमान छोटा है आपसे, और फिर प्लीज, किसी का हक नहीं बनता किसी की जिस्मानी कमजोरी का मजाक उड़ाने का। उसने मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया रोशनी। पॉइंट आउट तो किया है ना, और इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं, तो फिर आपको टॉन्ट क्यों करना? और इसकी वजह आप खुद ही हैं, आप ही ने उसको इजाजत दी कि वो आपसे इस किस्म की बातें करे। रोशनी, हम डिनर पे हैं। मैं डिनर से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ आपसे। हसाम, पहले की बात कुछ और थी, अब मैं हूँ आपके साथ, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपसे किस तरह से बात करें। और फिर आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता? हम जल्दी जाएंगे किसी न्यूरोसर्जन के पास। रोशनी, बचपन से लेकर अब तक बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया जा चुका है, सारी जिंदगी मुझे इसी तरह जीना पड़ेगा। नामुमकिन सिर्फ वो होता है जिसे हम खुद नामुमकिन समझते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपको, आपको कुछ नहीं पता, अब मैं खुद ही हैंडल करूंगी। आप तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। अरे यार राहिल,
तुम फेसबुक यूज कर रहे हो? तुम्हारे एग्जाम सर पर है ना? अच्छा जी, एग्जाम्स तो तुम्हारे भी सर पर हैं, और तुम यहाँ खड़ी मेरी जासूसियाँ कर रही हो। तुम्हें भी जाकर पढ़ना चाहिए ना? अच्छा जी, मैं अभी जाकर बाबा जान को बताती हूँ कि तुम फेसबुक यूज कर रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे यार, एक तो इतने दिनों बाद मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, और तुम? ये तो ज़ारा है ना? हाँ, तो तुम इससे बात कर रहे हो? नहीं, अभी बातचीत शुरू नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहतरमा ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इन दोनों बहन भाइयों को क्या हो गया? किन दोनों बहन भाइयों को? किसी को नहीं, तुम ये सब बंद करो प्लीज और पढ़ाई करो। तुम्हारे एग्जाम सर पर है ना, और प्लीज इससे बात मत करना। और अगर कर लूं तो? तो कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुम्हें ठीक ही वॉर्न किया। वैसे अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। अच्छा, तो फिर कर लो, मुझे मत बोलना। अरे बाप रे, ये तो वाकई बात करने लगी। क्या हो गया इसे? सोचता क्या अपने आप को? मैसेज भी नहीं पढ़ा और लॉगआउट कर दिया। समर, कैसी हो तुम? कब आए? आज सुबह ही आई हूँ, और देखो सीधा तुमसे मिलने आ गई हूँ। तुम आओ के फोन भी नहीं करती हो। एक यार, मैं एग्जाम्स में बिजी थी। जी जी, देख रही हूँ आपके एग्जाम की तैयारियाँ। बाय द वे, कौन था जो तुम्हें देख के भाग गया? कोई नहीं। बकवास नहीं, साफ साफ बताओ। मैंने अभी अंदर आते हो तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। एक गधा, तुम्हें पता है मैं तो खुद से किसी को घास नहीं डालती। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, आप तो किसी को घास डालती नहीं, और जिसको डाल रही हैं वो घास खा नहीं रहा है। इसका मतलब गधा तो है नहीं। बाय, दिखता कैसा है गधा? ठीक ठाक है, बस दिमाग का थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। बहुत एटीट्यूड है। क्या नाम है मिस्टर एटीट्यूड का? फाहिल, भाभी का भाई। तुम्हारी भाभी का भाई? तो फिर मसला क्या है? जाके भाभी को बोलो, वो बात करेंगी। तुम पागल? नहीं, तुम पागल हो रही हो। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? तुम आराम से बैठो। अब आप एक काम करें, आप जाके मेले का अच्छी सी कॉफी बनाएं, हमारी बहुत सी बातें करनी है। ठीक कह रही हो तुम, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी लेकर आती हूँ। हसाम, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सुनहरा के लिए कुछ ले जाएं। हाँ हाँ, बताओ क्या ले जाना चाहती हो? मुझे तो उसकी पसंद मालूम ही नहीं, तो जो आपको ठीक लगे वही। मेरा ख्याल है रोशनी कि तुम उसे अपने साथ ही ले जाना, उसकी जरूरत और पसंद के मुताबिक उसे जो चाहिए उसे दिलवा देना। हाँ, ये भी ठीक है। हसाम, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको मेरा जुनैरा के घर जाना अच्छा नहीं लगा? क्यों, ये क्यों पूछा तुमने? नहीं, बस ऐसे। नहीं रोशनी, तुम कम से कम बगैर वजह के कोई बात नहीं करती। वो असल में आंटी ने इस बात का बहुत बुरा मनाया था। मैंने उनसे कहा कि हमें सुनहरा के इलाज की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, तो क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस मामले से दूर रहना चाहिए। पता नहीं अम्मी अक्सर औकात ना समझ में आने वाली बातें क्यों करती हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम तो जुनैरा की भलाई के लिए सब कह रही थी। जी हसाम, लेकिन आंटी को ऐसा नहीं लगता कि मैं इस घर के किसी भी फर्जी को भलाई चाहती हूँ, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप कहें तो, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं वहाँ सुनहरा को लेके जाना चाहती हूँ। रोशनी, इससे अच्छी बात मेरी कोई और हो ही नहीं सकती। तुम प्लीज आज ही सुनहरा से इस मौजू पर बात करो। जी, मैं इंशाल्लाह आज ही उससे बात कर लूँगी, और अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सुनहरा। जी आंटी। बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तैमूर भी बहुत परेशान हो रहा था इस बात को लेकर के। मैं मानती हूँ
तुम्हारा कोई अपना ही मसला होगा जो तुम अपने घर वालों से नहीं मिल रही हो, लेकिन लोग तो यही समझेंगे ना कि शायद हमने तुम पर पाबंदियां लगा दी। आप उनकी फिक्र मत करें, कोई भी कुछ नहीं समझेगा। वैसे भी ये मेरा मामला है। वैसे बेटा आखिर हुआ क्या था? जब से तुम वहां से आई हो बहुत उखड़ी उखड़ी सी हो। अरे लोग बातें बनाते हुए देर थोड़ी लगाते हैं। कोई खास बात नहीं आंटी, जब मैं मुनासिब समझूंगी तो मैं उनसे वापस मिलना शुरू कर दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। सलाम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। कैसी है जुनैरा? ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। अब बैठो 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 बैठे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी देर हो गई, अभी तक उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? अब तो उनके वापस आने का टाइम हो गया। आ जाएगा फोन मुमताज बेगम, आ जाएगा। फिकर मत करो, रेस्टोरेंट के करीब ही मेरे लोग बैठे हुए। ऐसा करते हैं मैं हसाम को फोन करती हूँ कि वो आखिर रह कहाँ गए। नहीं नहीं नहीं, अभी किसी को कोई फोन मत करना। इस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। यही बात तो मैं सोच रही थी। हसाम का तो मरना भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो मर गया तो हमें तो कुछ भी नहीं। तुम घबराओ नहीं मुमताज बेगम, बड़ा सोच समझ के प्लान किया है मैंने। हसाम मरेगा नहीं और रोशनी। और हसाम? वो ना जिंदों में रहेगा और ना मुर्दों में। और बाकी मसाइल भी कानूनी तौर पर भी हल कर लिए जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा इंतजार और कर लो मुमताज बेगम, हमारी जीत में थोड़ा सा फासला रह गया है।